हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैम पेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप इस वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। आज मैं सिखाने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, और यह आप बोल सकते हो कि साइड स्लीट वाला गैदर्ड कुर्ती। कुर्ती को कटिंग करने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़े का यूज़ किया है और 60 सेंटीमीटर मैंने अस्तर लिया है बॉडीज़ को कट करने के लिए। अब मैं बॉडीज़ पार्ट कट करने के लिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने कपड़े को कट कर लूँगी। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने कपड़े को काट लिया है। लंबाई के लिए मैंने पूरे कपड़े को रख दिया और है, चौड़ाई के लिए 11.5 इंच पर रखा है। अब आपके अनुसार कपड़े को काट लेना। अब मैं बॉडीज़ की लंबाई रखूँगी 14 इंच, उसके साथ 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्क करूँगी। अब मैं शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्क करूँगी। 6 इंच पे मार्क करने के बाद आर्म होल के लिए भी मैं 6 इंच पे ही मार्क नीचे की तरफ मार्क करूँगी। आर्म होल लाइन मार्क करने के बाद अब आपको क्रॉस बैक के लिए शोल्डर से 1/2 इंच ज़्यादा लेनी है और इसको मार्क करनी है। मार्क करने के बाद शोल्डर लाइन को क्रॉस बैक से मिलाते हुए तिरछी लाइन खींच लेनी होगी। अब मेरी शोल्डर है 6 इंच, उसके साथ 1/2 इंच प्लस करके हुआ है 6.5 इंच। अब मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए आपका जो भी चेस्ट का नाप है उसको 1/4 करना है, उसके साथ सिलाई मार्जिन लेनी है। कमर के लिए भी सेम है, वेस्ट की 1/4 करनी है, उसके साथ आपको सिलाई मार्जिन लेनी है। और टेकन के लिए मैंने 1 इंच पे रखा है। अब मैं टेकन की मार्किंग 3.5 इंच से 4.25 इंच की दूरी पर करूँगी। टेकन की लंबाई रखूँगी 4.25 इंच से 5 इंच तक। टेकन की मार्किंग करने के बाद अब आपको बॉडी मार्किंग भी कर लेनी होगी। बॉडी मार्किंग हो जाने के बाद आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल के लिए इस क्रॉस बैक से एक मार्क 1.5 इंच पे करनी है और दूसरी मार्क 1 इंच पे करनी है। 1.5 इंच को मिलाते हुए आपको बैक आर्म होल की मार्क देनी है, मार्क करनी है, और 1 इंच को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्क करनी है। मार्क करने के बाद अब मैं आर्म होल को चेक कर लूँगी कि मेरा बॉडी मेजरमेंट के साथ आर्म होल का नाप सही आ रहा है कि नहीं। मेरा बॉडी की आर्म होल की नाप सही है। अब मैं गले की मार्किंग कर लूँगी। नेक विड्थ रखूँगी 3 इंच और नेक की लंबाई रखूँगी 6.5 इंच। अब मैंने दोनों पार्ट में ही सेम गले की कटिंग रखूँगी। नेक की कटिंग अभी नहीं करनी है क्योंकि मैं इनको लाइलिन के साथ एकदम पक्की करके पलट के गले को रेडी करूँगी। बैक पार्ट को निकाल के अभी मैं फ्रंट पार्ट की आर्म होल को भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब मैं इन दोनों बॉडीज़ के अनुसार अस्तर को भी काट लूँगी। कुछ इस तरह से मैं बॉडीज़ को काट लूँगी अस्तर के ऊपर रख के। देखिए, मैंने दोनों पार्ट को कट के रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट में लेस लगाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट की मिडिल बराबर एक लाइन सीधा लाइन खींच लिया है और जो लेस लगाऊंगी उस लेस को मैं स्टिच कर लूंगी कुछ इस तरह से। लेस अटैच हो जाने के बाद अब मैं गले की मार्किंग कर लूंगी और अस्तर वाली पार्ट को फ्रंट वाली साइड में रखूंगी और मार्किंग के बराबर से स्टिच करके मैं इनको पलट लूंगी। कुछ इस तरह से ही आपको दोनों बॉडी पार्ट के गले को रेडी करना है। रेडी करके मैंने गले को रेडी करके टेकन भी स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट में। अब देखिए, दोनों पार्ट रेडी होके कुछ इस तरह दिख रहा है। स्लीव्स की काटिंग करनी है। इसके लिए आपको दोनों बॉडीज़ की आर्म होल को नापनी है। जो भी आएगा उनका आधा करना है और उससे 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच माइनस करके जो भी आएगा आपको स्लीव्स काटने में वही नाप लेनी होगी। तो मैं उसके हिसाब से कपड़े को कट कर लिया है। स्लीव्स की लंबाई रखी है 11 इंच और स्लीव्स की चौड़ाई रखी है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल की लंबाई रखूँगी मैं 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और मैं मोहरी के लिए 5 इंच पे मार्क करूँगी। फिर मैं 1.5 इंच पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद अब मैं आर्म होल की जिस तरह से शेप देते हैं मैं उस तरह से शेप दे दूँगी। Thank you.
आर्म होल की मार्क हो जाने के बाद अब मैं फ्रंट आर्म होल की मार्क कर लूँगी। अब मैं इनको कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी मोहरी को एक बार स्टिच करके इसमें भी लेस को अटैच कर लूँगी। कुछ इस तरह से लेस अटैच करके स्लीव्स को रेडी कर लूँगी। इस तरह से दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेनी है। स्लीव्स रेडी हो जाने के बाद अब मैं कुर्ती की लंबाई की कटिंग करूँगी। कुर्ती की लंबाई की कटिंग करने के लिए बची हुए कपड़े को लंबाई में आपको डबल फोल्ड करना होगा। डबल फोल्ड करने के बाद आपकी जो भी बॉडीज की नाप है उनको ऊपर की तरफ छोड़ते हुए आपको एक बार चेक कर लेनी होगी कि आपकी लंबाई कितनी आ रही है। आप आपके ज़रूरत के अनुसार लंबाई रख सकते हो। मैं यहाँ पे लंबाई रखूँगी 40 इंच। मेरे यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास कपड़ा भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं जितना भी मेरा मार्किंग आया है मैंने उतना रख दिया है। आप इससे भी ज़्यादा लंबा चाहते हो तो आपको कपड़ा इससे भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, इनको दोनों अलग अलग कर लूँगी। दोनों अलग अलग करके कैसे मैं प्लीट दूँगी बॉडी पार्ट के साथ वो मैं दिखाऊँगी। सबसे पहले आपको बॉडी पार्ट को लेनी होगी और लंबाई के लिए जो कपड़ा कटा है उस कपड़े को लेनी होगी। कपड़े को लेने के बाद आपको कैसे स्टिच करना है कि साइड से आपको 2 इंच एकदम प्लेन स्टिच करना है बॉडीज की दोनों तरफ भी। सेम इसी तरह से आपको स्टिच करना है दोनों तरफ 2-2 इंच प्लेन स्टिच करने के बाद जो भी कपड़ा बचेगा उन कपड़े को बॉडीज पार्ट में छोटे छोटे चूनर देते हुए आपको स्टिच कर लेनी होगी कुछ इस तरह से। देखिए मैंने छोटे छोटे चुन्नट देते हुए यानी प्लीट्स देते हुए इनको स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट में। स्टिच करने के बाद अब आपको क्या करना है, शोल्डर जॉइन करनी है और स्लीव्स भी अटैच कर लेनी होगी। स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब आपको बॉडी मार्किंग कर लेनी होगी। बॉडी मार्किंग करने के बाद उस बॉडी मार्किंग की बराबर से आपको बॉडीज पार्ट तक बॉडी को फिटिंग कर लेनी होगी कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने बॉडी फिटिंग किया है। यानी स्लीव से बॉडीज पार्ट तक ही आपको बॉडी को फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद अब आप साइड स्लीट को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए आप जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती में साइड स्लीट को स्टिच करते हो उसी तरह से ही आपको बॉडीज पार्ट तक इसकी साइड स्लीट को स्टिच करनी होगी। स्टिच हो जाने के बाद अब आपको स्लीट के चारों ओर पतली वाली लेस को लगा लूँगी और बॉटम से ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए इनको लगा लूँगी फ्रंट में भी और बैक में भी। अब मैं स्लीट की मिडिल में एक डोरी बना के लगाया है। आप चाहे तो इनको लगा भी सकते हो और चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। इससे लुक बहुत अच्छा आ रहा था इसलिए मैंने लगाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।